ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पिछला हफ्ता शेयर मार्केट के कारोबारी लिहाज से छोटा था, लेकिन बाजार को बड़ी चोट दे गया। बाजार ने बुल्स की ऐसी कमर तोड़ी कि निफ्टी 5% नीचे आ गया। बैंक निफ्टी में भी लगभग 4.5% की गिरावट दर्ज की गई। सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। निवेशकों के मन में डर है और बाजार में नर्वसनेस। ऐसे में अब सवाल ये कि आने वाला हफ्ता बाजार के लिए आखिर कैसा होगा, बाजार में आगे कैसा मोमेंटम बनता दिखेगा। बाजार के मूड माहौल को समझने के लिए चलिए एक नजर डालते हैं पिछले हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस पर और फिर बात करेंगे कि शेयर मार्केट में आने वाले हफ्ते में क्या कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तर, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। बीते हफ्ते की बात करें तो निफ्टी ने 1164 अंक और बैंक निफ्टी ने 2372 अंकों की गिरावट दिखाई है। बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी 4 अक्टूबर को निफ्टी में जून 2022 के बाद सबसे बड़ी बिकवाली आई और इंडेक्स ने 26,277 के लेवल से गिरकर 25,000 के लेवल पर आ गया। इसराइल ईरान वॉर और चीन के बाजार में आई तेजी का असर भारतीय शेयर बाजार में भी जमकर देखने को मिला है। एफएनओ के नियमों में हुए बदलाव के कारण भी बाजार पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। बीते एक हफ्ते में सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से निवेशकों के लगभग 16,00,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए बीते हफ्ते। एक बार अगर आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी के, तो बीते हफ्ते निफ्टी गिरकर 25,014 के स्तर पर क्लोज हुआ, वहीं बैंक निफ्टी 51,462 अंकों के लेवल पर क्लोज हुआ। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की बात की जाए तो यहां लगभग 1.5% की गिरावट देखी गई और ये 12,812 अंकों के लेवल पर क्लोज होता नजर आया। अब अगर सेक्टर स्पेसिफिक नजर डालें तो यहां लगभग सभी सेक्टर्स लाल रंग में नजर आएंगे। मेटल्स को छोड़कर हर सेक्टर में बीते हफ्ते करेक्शन देखने को मिला है। रियलिटी में लगभग 8% की गिरावट, ऑटो में 7% के आसपास की गिरावट, एनर्जी में लगभग 6% की गिरावट, फाइनेंशियल सर्विसेज में लगभग 5.5% की गिरावट, पीएसयू बैंक्स में 2% की गिरावट, फार्मा आईटी में लगभग 1% की गिरावट। हालांकि मेटल यहां पर 0.48% चढ़ता हुआ नजर आया। बीते हफ्ते JSW स्टील निफ्टी का टॉप गेनर रहा, इसमें 3.22% की बढ़त देखी गई। वहीं बीते हफ्ते की अगर बात की जाए तो रिलायंस ने सबसे ज्यादा लगभग 9.25% की गिरावट दर्ज की। खैर, ये सब कुछ तो बीते हफ्ते हो गया, अब सवाल ये कि आने वाला हफ्ता बाजार के लिए कैसा होगा। तो अगर बात की जाए कि आने वाले हफ्ते में क्या कुछ देखने को मिलेगा, वो कौन से ट्रिगर्स होंगे जो बाजार की दिशा और दशा तय करेंगे, तो सबसे पहले तो बात करनी चाहिए बाजार की चाल की, जो कि पिछले हफ्ते काफी सुस्त नजर आई है। बीते हफ्ते निफ्टी के 20 दिनों की औसत के ऊपर सिर्फ 31% शेयर रहे हैं। इससे पहले वाले कारोबारी हफ्ते में यानी 27 सितंबर को यह आंकड़ा 86% का था। 50 दिनों की औसत की बात की जाए तो इसके ऊपर सिर्फ 54% शेयर रहे, जो इससे पहले वाले हफ्ते में 88% के आंकड़े पर थे। बाजार ने बुल्स की कमर तोड़ दी, किसी भी तरह का उछाल आते ही बिकवाली आती दिखाई दी। अब मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि 25,360 के ऊपर ही बुल्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बाजार 24,800 से 24,950 के जोन में संभलने की कोशिश करेगा। निफ्टी पर 24,700 के नीचे बायर्स की ताकत बढ़ेगी। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की माने तो जियो पॉलिटिकल टेंशन के कारण निवेशक कॉशियस हो रहे हैं और अगले हफ्ते भी बाजार कंसोलिडेट हो सकता है। अगले हफ्ते से तिमाही नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी जारी रहने की संभावना है। कुछ जानकारों का मानना है कि गिरावट धीमी हो सकती है, काउंटर ट्रेंड पुल बैक करेगा और ऊपर की तरफ पुल बैक में निफ्टी के 25,500 की तरफ जाने की संभावना है। हालांकि अगर गिरावट बढ़ती है तो इंडेक्स 24,500 तक भी जा सकता है। अब बात कर लेते हैं अगले हफ्ते आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की। तो 7 अक्टूबर को MPC पॉलिसी की बैठक शुरू होनी है और 7 अक्टूबर को चीन और जापान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का भी आंकड़ा आना है। 7 अक्टूबर को ही फेड काश्कारी और फेड बोमैन स्पीच देंगे। 8 अक्टूबर को अमेरिका का सितंबर बैलेंस ऑफ ट्रेड का आंकड़ा आना है और 9 अक्टूबर को RBI की पॉलिसी आएगी, गवर्नर MPC का फैसला सुनाएंगे। 10 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो US में सितंबर CPI महंगाई के आंकड़े आने हैं। वहीं 11 अक्टूबर को भारत में अगस्त के IIP सितंबर महंगाई के ये दो आंकड़े आने हैं और 11 अक्टूबर को भारत का फॉरेक्स रिजर्व का आंकड़ा भी आएगा।
अगले हफ्ते बाजार के लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बनते नजर आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव ट्रिगर्स हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। विदेशी निवेशकों की ओर से भयंकर बिकवाली की जा रही है। अक्टूबर में कैश मार्केट से लगभग 30,719 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। कच्चे तेल का भाव एक महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। ब्रेंट क्रूड का भाव $78 प्रति बैरल के पार है। हरियाणा, जम्मू और कश्मीर और एग्जिट पोल का मार्केट पर असर होगा। एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है, वहीं एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी को झटका लगता नजर आ रहा है और बीजेपी को दो राज्यों में झटके के बाद केंद्र की नीतियों पर असर संभव है। मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है। इसराइल ने गाजा पर फिर बरसा दिए बम और ये तनाव बाजार के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है। ये सब कुछ जो हो रहा है वो बाजार के लिए थोड़े नेगेटिव ट्रिगर्स हैं जिनका ध्यान निवेशकों को अगले हफ्ते रहेगा। अगले हफ्ते प्राइमरी मार्केट में दो आईपीओ भी आने वाले। गरुण कंस्ट्रक्शन का आईपीओ भी काफी अहम माना जा रहा है। इस आईपीओ में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का भी मोटा निवेश है, ऐसा कहा जा रहा है। गरुण कंस्ट्रक्शन मेन बोर्ड सेगमेंट में अपना आईपीओ लॉन्च करेगा 8 अक्टूबर को। सब्सक्रिप्शन के लिए यह आईपीओ ओपन हो जाएगा। इस इशू में 173 करोड़ रुपए की फ्रेश इक्विटी और 90 करोड़ रुपए के ओएफएस शामिल हैं। 10 अक्टूबर को आईपीओ बंद हो जाएगा। कंपनी ने 92 से 95 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है, जहां निवेशक एक लॉट में 157 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। दूसरे आईपीओ की बात करें तो शिव टेक्सकेम का 101 करोड़ रुपए का एसएमई आईपीओ भी 8 अक्टूबर को पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा। इस इशू में 61.05 लाख फ्रेश शेयर रखे गए हैं। आईपीओ की कीमत 158 से 166 रुपए प्रति शेयर है, जहां निवेशक एक लॉट में 800 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगले हफ्ते 6 कंपनियों की लिस्टिंग भी देखने को मिलेगी, जिनमें से सभी एसएमई सेगमेंट में होंगी। तो कुल मिलाकर बाजार फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। इस तेज करेक्शन में कई बड़े स्टॉक्स अपने उचित वैल्यूएशन लेवल पर आ गए हैं। मेटल सेक्टर, आईटी सेक्टर, पावर सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर के कई स्टॉक अब निवेशकों की रडार पर रहने वाले हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि करेक्शन फेज में मेटल सेक्टर पर ध्यान दिया जा सकता है। इस सेक्टर में पिछले कुछ दिनों से हलचल हो रही है और मार्केट में जब पुलबैक आएगा तो इस सेक्टर में खरीदारी देखी जा सकती है। बाकी आपको क्या लगता है बाजार आने वाले हफ्ते में क्या रुख दिखाएगा, ये सब कुछ आपकी राय में कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाते जाते जरूरी बात सुनते जाएं कि अगर आपको शेयर मार्केट में कहीं भी निवेश करना है तो बिना अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के ना करें, उनकी सलाह ले लें, क्योंकि ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई है। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।